अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस निगरानी पोत को भारतीय तक रक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? ए अमित, बी सुजीत, सी अजीत या डी सुशील? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बगल में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले न्यूज नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर के ट्रिपल आईटी में वर्कशॉप का उद्घाटन। भागलपुर के ट्रिपल आईटी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा वर्कशॉप का उद्घाटन फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया गया। रेशम उद्योग को बढ़ावा दिए जाने को लेकर ट्रिपल आईटी परिसर में स्मार्ट वेंटिलेटर का निर्माण कराया जा रहा है। इसका उपयोग रेशम उद्योग के रेशम हथकरघा मशीनरी के उन्नयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने ट्रिपल आईटी भागलपुर में ज्ञान आधारित नियंत्रण केंद्र के सर्वेक्षण और संस्थान के कंप्यूटरनेशन सुविधाओं को देखने के लिए शैक्षणिक सह प्रशासनिक भवन का भी दौरा किया। इसके द्वारा जो हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं श्री अरविंद चौबे जी, इन्होंने आज के इस वर्कशॉप का जो मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मिला करके, तो मेकाट्रॉनिक्स का आज के इस वर्कशॉप का विधिवत इन्होंने शुभारंभ किया है। हम उसके हस्ताक्षर हैं, तो आज शुभारंभ हमने किया और ये लगभग 1.6 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। और इससे सबसे बड़ा लाभ क्या है कि यहाँ का जो उद्योग है, खास करके जो बुनकर उद्योग है, सिल्क उद्योग है, और सिल्क उद्योग में हमारे जो ऐसे बुनकर भाई हैं, आप देखते हैं कि जब बुनकर भाई चलाते हैं अपने मशीन को, करघा को, पावर लूम वगैरह को, तो उससे धागे भी टूटते हैं, आवाज़ भी बहुत होती है, कई बार तो उनकी आवाज़ के कारण कान बहरे हो जाते हैं। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में एक बाल श्रमिक को कराया मुक्त। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी स्थित इसाक बेकरी में श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी कर बेकरी में काम कर रहे एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया। बच्चे की सेहत व कोरोना जांच सदर अस्पताल में कराने के बाद बच्चे को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है, जिसके बाद टीम ने बेकरी संचालक के खिलाफ हबीबपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पता क्या चला, क्या पकड़े? 14 साल से नीचे का जो बच्चा है ना, उसी को विमुक्त कराया गया है। पकड़ना नहीं, हम लोग विमुक्त कराए। कहाँ से? यही बिस्कुट फैक्ट्री से, यहाँ जो शाहजंगी में बिस्कुट फैक्ट्री। क्या नाम हुआ? सुन, मेरा नाम दिलीप कुमार है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। भागलपुर, दहेज में पलंग नहीं दिया तो नवविवाहिता को ससुराल वालों ने उतारा मौत के घाट। भागलपुर के अमडंडा थाना क्षेत्र के माघोपुर बथानी गांव में दहेज की खातिर नवविवाहित की हत्या करने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता मंटू पासवान का आरोप है कि शादी के 6 महीने बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग नवविवाहिता को पलंग के खातिर प्रताड़ित कर रहे थे। सूचना पर पहुंचे मायका पक्ष के लोगों ने अमडंडा थाने में मृतका के पति, सास, ससुर एवं देवर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। लड़की के चाची है। आपको कौन जानकारी कौन दिया कि आपका जो है भतीजी डेट कर गया? जानकारी उसको देवर ने दिया है। देवर ने मार के देवर ने दिया है जानकारी। हम सब नहीं जान रहे ना, देवर ने दिया जानकारी। अभी थाना में क्या आवेदन देंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि सबने मिली के मार दिया इसको दहेज के चलते।
दहेज के चलते मार दिया। कुछ बच्चा पुत्र भी है? नहीं बच्चा पुत्र नहीं है, होने वाला है। बाइक भी तिलक में दिया है, बाइक भी तिलक में दिया है, 3 लाख पैसा भी दिए हैं। पत्र गर्भवती है? हाँ गर्भवती है। आपका नाम? मीना देवी है। 7:30 बजे। तो आप लोग का क्या कहना क्या है कि कैसे घटना कैसे हुआ? इसको फसरी लगा कर मरा है, देखिए ना मरा है। सब परिवार में मिलेगा, सास ससुर दो दियोर है, एक पौना है, सब ने मरा है। क्यों मरा? इसको फांसी लगा क्या? कुछ दहेज के चलते मरा है। दहेज? हाँ आप लोग को फोन करता था दहेज दीजिए? हाँ फोन करता है दहेज दीजिए। कब शादी हुई थी इसका? 1 साल हो गया है। साल भरी हो गया इसको शादी में। क्या नाम है जो इसका पति का? गिरीश पासवान है। गिरीश पासवान कहाँ के रहने वाले? गिरीश पासवान क्या हुआ आपके बेटी के साथ, क्या घटना घटी है? घटना ये मार दिया। मार दिया? हाँ। क्यों मारा? अब क्यों मारा इसे कोई टेंशन का बात है नहीं है, सब ने मिल कर के ही मार दिया। कभी फोन उन भी किए थे पैसा कौड़ी दहेज के लिए? हाँ। ये 3 लाख रुपया दिए है, 3 लाख रुपया दिए, गाड़ी भी दिए। क्या नाम है आपका? मंटू पासवान। मंटू पासवान ठीक। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। गोपालपुर गंगा नदी से सफेद बालू के अवैध कारोबार पर छापेमारी कर पुलिस ने बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में नौगछिया पुलिस ने बुधवार की दोपहर को तिनटेंगा करारी स्थित जहाज घाट के निकट अवैध रूप से सफेद बालू का उठाव कर काला कारोबार करने पर छापेमारी कर पुलिस ने मौके से 3-4 ट्रैक्टर ट्रेलर को सफेद बालू सहित पकड़कर गोपालपुर थाने को सुपुर्द कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस छापेमारी अभियान की भनक गोपालपुर पुलिस को नहीं लगने दी गई थी। छापेमारी के दौरान स्वयं SDPO दिलीप कुमार ने गोपालपुर थाना अध्यक्ष को जहाज घाट पर बुलाया। बताते चलें कि दर्जनों ट्रैक्टरों द्वारा स्थानीय पुलिस की मिली भगत से दिन रात गंगा नदी के किनारे से सफेद बालू व मिट्टी का उठाव कर अवैध रूप से चल रहे दर्जनों ईंट भट्टों पर मनमाने दाम पर बेचा जाता है। जबकि पिछले एक दशक से गंगा नदी में लगातार कटाव होने के कारण बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा कटाव निरोधक कार्य में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से गंगा नदी के करीब स्पर संख्या 8 से लेकर 9 के आगे जहाज घाट के कई किलोमीटर आगे तक गंगा नदी से अवैध सफेद बालू का काला कारोबार संगठित व्यवसाय का रूप ले चुका है। वहीं बताते चलें कि SDM व SDPO के द्वारा बिना गोपालपुर पुलिस को जानकारी दिए अवैध बालू के उठाव पर छापेमारी करने से गोपालपुर पुलिस पर सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर के द्वारा सफेद बालू का ढुलाई बिना गोपालपुर पुलिस की मिली भगत से नहीं हो सकता है, ऐसा ग्रामीणों व प्रशासनिक हलकों में चर्चा है। खैर जो भी हो, देर से ही प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। छापामारी की है तो इसमें क्या क्या अभी तक? अच्छा अच्छा छापामारी में कुल सात लोडेड है, एक अनलोडेड। तो सर कितने दिनों से आप लोगों को कंप्लेन मिल रहा था कि यहाँ पे? कंप्लेन परसों मिला था, कल न्यूज पेपर में आया था। तो सर इस पे अब क्या मतलब क्या होगा ट्रैक्टर वालों के लिए? थाना में लगाया जाएगा, खनन पदाधिकारी को सूचना दी गई है, आएंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई होगा अपना करेंगे। नवगछिया धान की खरीदारी को लेकर SDO ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को SDO अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति वर्ष 2020 से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। SDO ने बैठक में प्रखंडवार धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की। उपस्थित सहकारिता पदाधिकारी प्रखंडवार जानकारी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी नारायणपुर ने बताया कि प्रखंड में 1-2 पंचायत में ही धान का उत्पादन होता है। किसान द्वारा उत्पादित धान से स्वयं का उपभोग करते हैं। किसानों से संपर्क किया गया लेकिन उन लोगों के द्वारा
धान अधिप्राप्ति का निबंधन करवाने में कोई रुचि नहीं ली गई। बीपुर बीसीओ के द्वारा बताया गया कि इस प्रखंड में जिला स्तर से धान अधिप्राप्ति हेतु हरियो पैक्स एवं झंडापुर पूर्वी पैक्स का चयन किया गया है। नवगछिया चौधरी चरण सिंह की जयंती, राजद ने किया कृषि कानूनों का विरोध। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती को किसान दिवस गोष्ठी के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अलक निरंजन पासवान व संचालन जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल ने की। इस अवसर पर तीन किसान कानून के विरोध में राजद नेताओं ने सरकार की जमकर आलोचना की और इसे किसानों के लिए काला कानून बताया। गोष्ठी में जिलाध्यक्ष अलक निरंजन पासवान, जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, विधानसभा प्रत्याशी शैलेश कुमार, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, आपदा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक यादव, किसान जिलाध्यक्ष अरुण कुमार राही, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रीता यादव, नगर अध्यक्ष तनवीर अहमद, नौगछिया प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु यादव, मुनवर आलम सहित कई अन्य उपस्थित थे। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नवगछिया मेहताब खां बने रंगरा ओपी के अध्यक्ष। नौगछिया के एसपी स्वप्ना जी मिश्राम ने नौगछिया थाने में प्रतिनियुक्त अवर निरीक्षक मेहताब खां को रंगरा का नया थाना अध्यक्ष बनाया है। मालूम हो कि अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से नौगछिया पुलिस के पदाधिकारियों ने मेहताब खां को रंगरा भेजा है। कमान संभालते ही मेहताब खां ने कहा कि अपराध नियंत्रण करना और लोगों को एक अच्छी पुलिसिंग देना उनकी पहली प्राथमिकता है। नवगछिया राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया इकाई के द्वारा 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया गया। मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया, नगर मंत्री राहुल राजपाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सुजीत सिंह चौहान, नगर सह मंत्री पंकज कुमार, जीबी कॉलेज अध्यक्ष अवीश कुमार, रवि सिंह आदि मौजूद थे। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयां उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। मास सिकिंग में 42 लोगों एवं 5 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिला के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास सिकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को मास सिकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 42 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया है। सभी से पुलिस ने कुल 2100 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं इस दौरान 5 वाहन चालकों से 4500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। खरीक एसपी ने खरीक थाने का किया निरीक्षण। नौगछिया पुलिस अधीक्षक स्वप्ना जी मिश्राम ने बुधवार को खरीक थाने का औचक निरीक्षण किया। एसपी ने निरीक्षण के दौरान जीएस न्यूज के संवाददाता को बताया कि अपराध नियंत्रित करने के लिए नियमित पैदल गश्ती को लगाया गया है। फरार वारंटियों को अविलंब गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। गुंडा पंजी में दर्ज दागियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। थाना भवन के लिए चिन्हित जमीन पर जल्द भवन निर्माण कराया जाएगा। शैलेश झा बने नौगछिया थाने के थाना अध्यक्ष। नौगछिया के एसपी स्वप्ना जी मिश्राम ने इंस्पेक्टर शैलेश झा को नौगछिया का थाने की कमान दी है। वरीय पदाधिकारियों ने बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण के लिए शैलेश झा को नौगछिया नगर थाने का थाना अध्यक्ष बनाया है। वहीं नौगछिया के नए थाना अध्यक्ष गुरुवार को थाने में योगदान देंगे। धुलवजा में बाइक सवार झपटमारों ने महिला के हाथ से बैग समेत 42,000 लूट कर हुए फरार। धुलवजा बाजार में बुधवार को दिन दहाड़े एक बाइक पर सवार 2 झपटमारों ने महिला के हाथ से पॉलिथीन बैग समेत उसमें रखे 82,000 रुपए झपट कर यूको बैंक धुलवजा व थाना के आगे से फरार हो गया। लुटेरे ने इस घटना को अंजाम दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास बाजार निवासी चुलबुल जायसवाल के दुकान के पास दिया है। घटना के बाद पीड़ित महिला छाती पीटते हुए लुटेरों के पीछे दौड़ी और शोर मचाई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वह फरार हो गया था। पीड़ित महिला पूर्णिया जाले के रुपौली प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर थाना क्षेत्र के विजय अमानत गांव निवासी फूलो यादव की पत्नी कंजन देवी व दीपक शर्मा की पत्नी सरोजनी देवी है। दोनों महिलाओं ने यूको बैंक ढोलबज्जा से रुपए की निकासी कर
बाजार कपड़ा खरीद कर वापस घर लौट रही थी। वहीं मौके पर कंचन देवी ने बताया कि बैग में 50,000 मेरा और 32,000 सरोजनी देवी की थी। नवगछिया सड़क दुर्घटना में घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 पर मकनपुर चौक के पास हुए सड़क दुर्घटना में रंगरा थाना क्षेत्र के मूली निवासी चंद्रशेखर सिंह पिता सुरेश प्रसाद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। नवगछिया अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल में मारा धक्का, बालक की गई जान, युवक गंभीर। नवगछिया के पर्वता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर साहू पेट्रोल पंप के समीप बुधवार के अले सुबह हुई अनियंत्रित अज्ञात ट्रक मोटरसाइकिल सवार को धक्का मार दिया। दुर्घटना में एक बालक की घटनास्थल पर ही जान चली गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक बालक इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के 85 मोती टोला निवासी विक्रम कुमार 11 वर्षीय पिता भागवत मंडल है, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक छोटी पर्वता निवासी सुमन कुमार 22 वर्षीय पिता विजय मंडल है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पर्वता पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में गंभीर रूप से घायल युवक का प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पर्वता पुलिस ने दुर्घटना में मृत बालक के शव का पोस्टमार्टम अनुमंडलीय अस्पताल में कराकर परिजनों को सौंप दिया। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।